Hey everyone, welcome back to my channel BioPost. So we are starting a series known as Saturday Talk. तो हम Saturday Talk में क्या करेंगे, जो भी आपके doubts होंगे life science के related, उस topic को discuss करके वो clarify करेंगे. So जो भी आपके doubts होंगे life science से related, जो आपको clarify करने हैं, आप comment section में वो लिख दीजिए. हम हर Saturday को एक topic choose करेंगे और हर Saturday को वो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो सारे क्लैरिफाई हो. एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लैरिफाई हो. सो जैसे इस सैटरडे का जो टॉपिक है वो है व्हाट टू डू आफ्टर एमएससी लाइफ साइंस. जैसे आप बहुत लोगों की एमएससी हो चुकी होंगी बायोटेक में या फिर माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आपको पता नहीं है कि आगे चल के क्या करें, किस फील्ड में जाए, क्लैरिफिकेशन नहीं है. तो हम वो आज के जो सैटरडे टॉक है उसमें डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली आपका जो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, उस फील्ड पे डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाओगे. सो फर्स्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ टीचिंग. अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग में जा सकते हो. जैसे सेट की जो एग्ज़ाम्स होती है वो आप क्लियर कर सकते हो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो. अब अप्लाई कैसे करना है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं उनकी वेबसाइट्स होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स, उन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आपको वैकेंसीज देखेंगे कि किस कॉलेजेस में वैकेंसीज है. आप उन वैकेंसीज में उनका जो क्राइटेरिया होगा कि आपको मेल करना पड़ेगा उनका CV या फिर उनको हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ेगी, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसके बेसिस पे आप अपना CV मेल कर सकते हो. बस इतना ध्यान रखिए कि जो आपके टीचिंग स्किल्स होंगे वो आपके CV में लिखना, कि आपने क्या क्या कोर्सेज किया. अगर आपने कोई कोर्स किया है टीचिंग के रिलेटेड तो आप अपने CV में इंक्लूड कीजिएगा. जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा वो टीचिंग के रिलेटेड ही रखना, ताकि आपका CV जल्दी से शॉर्ट लिस्ट होके आपको हायर किया जाए. उसके बाद आप लिंकडिन जो एक वेबसाइट है उस पर भी आप अपना प्रोफाइल बनाइए, और उस पर भी आप जो भी आपका होगा, जो भी अचीवमेंट्स होगी BSc MSc वो सारी डालिए, ताकि जो भी रिक्रूटर होगा वो आप तक पहुंच सके. सो वन ऑप्शन इज़ फॉर यस कि अगर आपको टीचिंग में होगा तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो कोई भी कॉलेजेस में. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन फॉर यू. और उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन फॉर यू इज़ अगर आपको जॉब करना हो, अगर तो आप बायोटेक इंडस्ट्री या फिर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, ऐसे फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्री आप ढूंढ के रखिए. बाद में उनके वेबसाइट पे जाके वैकेंसीज है क्या ये ढूंढिए, फिर उनको ईमेल कीजिए. जो भी आपका CV होगा वो उनको मेल कीजिए, और उसके साथ साथ रेफरेंसेस बढ़ाइए. जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप बात करोगे उतने ज़्यादा आपके रेफरेंसेस स्ट्रांग होंगे. अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब करना होगा तो रेफरेंस इज़ द पॉइंट. अगर आपके रेफरेंसेस नहीं होंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ जॉब्स है नहीं है. तो रेफरेंसेस, जितने लोगों से आप बात करोगे, जितना आपका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होगा ना, जॉब आपको इंडस्ट्री में उतना जल्दी जॉब मिलेगा. सेकेंड पॉइंट जॉब इंडस्ट्री में ये है कि आपके स्किल्स, आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए. जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि HPLC हो गया, बहुत इंडस्ट्री में HPLC अगर किसी को आता हो उसे हायर कर लेते हैं. सो ऐसे इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स आपके होने चाहिए अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब करना है. दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब, अगर आपको जॉब करना है तो. थर्ड ऑप्शन इज़ रिसर्च फील्ड. अगर आपको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है और अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना हो तो आपने CSIR, DBT JRF ऐसे एग्ज़ाम्स के नाम सुने होंगे. ऐसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करके उसके बाद PhD करके आप एज ए साइंटिस्ट लग सकते हो. तो अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना हो तो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लीजिए. अब CSIR NET तो 6 मंथ्स में आता है, जून और दिसंबर में CSIR NET का एग्ज़ाम होता है. सो आप ऐसे एग्ज़ाम्स को टारगेट कीजिए अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है. एक बार आपकी PhD होगी, एज ए साइंटिस्ट आप हायर किसी भी इंडस्ट्री में या फिर कंपनी में लग सकते हो एज ए साइंटिस्ट. उसके बाद आप अगर जो थर्ड ऑप्शन है आपके लिए वो है बिज़नेस. अगर आपको बिज़नेस करना हो तो आप बिज़नेस भी कर सकते हो. आप अलग अलग जैसे कि बायोटेक इंडस्ट्री या फिर पुरटेक इंडस्ट्री आप डाल सकते हो.
बिजनेस के रिलेटेड मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि ड्रीम बिग, आपका जो सपना होगा ड्रीम बिग, लेकिन शुरुआत छोटे से करना। जो भी आप, अगर आप छोटे से शुरुआत करोगे कि तो आपको एक्सपीरियंस आएगा कि आपको बिजनेस करना कैसा है, सब कुछ आपको पता चलेगा। आप छोटे से शुरुआत करोगे तो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा उसके, और उसके बाद आप उस कंपनी को बड़ा भी कर सकते हो। सो ड्रीम बिग ही, ड्रीम बड़ा ही रखना, लेकिन शुरुआत जो है आपकी बिजनेस की वो छोटे से ही करना। फिर आप बिजनेस में फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका एक्सपीरियंस, आपने आपका एक्सपीरियंस कितना है। इसके बाद आपकी स्किल्स, जो भी आप, अगर फूड टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम फूड टेक इंडस्ट्री की लेते हैं, तो जो भी फूड टेक इंडस्ट्री डालने वाले हो उसका कुछ नॉलेज आपके पास है। अगर उसकी ट्रेनिंग होगी तो वो ट्रेनिंग कीजिएगा 10-15 डेज की, जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी वो देखिए कि उस फूड टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड कहीं ट्रेनिंग है क्या, वो ट्रेनिंग कीजिए। तभी आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा और आपको समझेगा कि कहाँ, उसके बाद मार्केट में कहाँ लैकिंग है वो भी आप देखिए। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप किस टॉपिक पे आपको बिजनेस करना है तो पूरा मार्केट रिसर्च कीजिए। मार्केट रिसर्च करने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। सो दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन फॉर यू, फोर्थ ऑप्शन फॉर यू। फिफ्थ ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसी, एजेंसीज जो होती है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पेटेंट ऑफिसर की अभी वैकेंसीज निकली है, तो पेटेंट ऑफिसर की वैकेंसीज हो गई, यूपीएससी की एग्ज़ाम्स हो गए, इसमें भी लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसीज है। इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम्स होती है पहले, तो उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है और उसके बाद आपको हायर किया जाता है। तो आप गवर्नमेंट एजेंसीज में भी काम कर सकते हो एज ए लाइफ साइंस कैंडिडेट। जो भी गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब करना है गवर्नमेंट एजेंसीज में, तो जो भी वेबसाइट्स होते हैं गूगल पे जाइए, जो भी वेबसाइट्स होते हैं उस वेब जो गवर्नमेंट वैकेंसीज के रिलेटेड जो वेबसाइट्स होते हैं, जो आपको बताते हैं कि इस गवर्नमेंट एजेंसीज में वैकेंसीज है, ऐसे वेबसाइट ढूंढिए और इन वेबसाइट को फॉलो कीजिए ताकि आपको पता चले कि किस गवर्नमेंट एजेंसीज में वैकेंसीज है, और उन गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, और आपको उनका सिलेबस देखिए। अगर आप गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करना चाहते हो तो उनका सिलेबस देखिए कि क्या क्या सिलेबस है, क्राइटेरिया क्या क्या है, और उस क्राइटेरिया पे बेसिस पे आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, सिलेबस की तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की, और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस, और आप हायर हो सकते हो फॉर गवर्नमेंट। इसके बाद सिक्स्थ ऑप्शन आपके लिए है, आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो, छोटे छोटे कोर्सेज, लाइक क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स हो गया, मेडिकल राइटिंग का कोर्स हो गया, PTC हो गया यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर का कोर्स हो गया। सो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज जो होते हैं, सिक्स मंथ्स कोर्स, अभी इन कोर्सेज को करके भी आप जॉब कर सकते हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस, जैसे मैंने कहा अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। तो जो भी ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर, मेडिकल राइटिंग, क्लिनिकल रिसर्च, ये कोर्सेज करके आप अपना आप एज ए जॉब, आपको जॉब लग सकती है, या फिर आपका अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विथ वाइल डूइंग दिस स्मॉल स्मॉल कोर्सेज। तो ये आप सारे कोर्सेज गूगल पे सर्च कर सकते हो कि हम लाइफ साइंस में कौन से छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं जिससे, जिसके रिलेटेड, जिसके बेसिस पर हमें जॉब मिल सकती है। सो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इन छोटे छोटे कोर्सेज के रिलेटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि टीचिंग फील्ड हो गया, जॉब हो गई अगर आपको जॉब करना है बायोटेक या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसके बाद आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज में भी, जो गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसीज होती है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, और या फिर छोटे छोटे जो कोर्सेस होते हैं उन्हें, सिक्स मंथ कोर्स, उसे उन्हें करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू कैन डू आफ्टर MSc लाइफ साइंस। अगर आपको और टॉपिक्स ऐसे चाहिए कि सैटरडे टॉक में हम डिस्कस करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट लिख देना कि आप किस टॉपिक पे आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। आने वाले सैटरडे वीडियो में हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और कोई और वीडियोस चाहिए इस सीरीज़ में, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट।